दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी और द्वारिका की रानी श्री रूपणी के नाम से एक वैश्य को बुलाने का साहस किस में था? आज हम आपको श्री रूपणी कृष्ण के जीवन से जुड़े एक ऐसे चौंकाने वाले रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आज भी लोग श्री कृष्ण की रूपमणी और शक्ति देवी रूपमणी के बार बार प्रणाम करते नहीं थकते। जो लोग आज भी उन्हें आम महिला समझते हैं, उनसे गलती हो जाती है और उन्हें ये सच्चाई ध्यान से सुननी चाहिए। एक दिन जब श्री रूपमणी कृष्ण के अत्यंत अनन्य प्रेम भक्त तुकाराम अभंग अर्थात भगवान विट्ठल की स्तुति गा रहे थे, तभी पंडरपुर की उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की जो एक वैश्य थी तुकाराम के पास आई। बहुत देर तक उसकी नजरें तुकाराम पर थी, क्योंकि उससे एक अलौकिक चमक निकल रही थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि उसके पास देवीय शक्तियां थी, इसलिए वैश्य तुकाराम को पसंद करने लगी, क्योंकि वह आम आदमी की तरह नहीं थे। जब तुकाराम ने अपना अभंग गान पूरा किया और सामने बैठी वैश्य की ओर देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। अचानक उनके चेहरे के भाव बदलने लगे, वह गर्व से मुस्कुराने लगे कि आज तुकाराम भी उनकी सुंदरता का शिकार हो गए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि हकीकत कुछ और ही रहस्यमय है। उधर तुकाराम की आंखें पल पल आश्चर्य से फैलती जा रही थी। उन्होंने देखा कि समस्त ब्रह्मांड की माता महालक्ष्मी श्री रूपमणी के सामने खड़ी है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। तुकाराम ने उनका स्वागत किया और रोते हुए पूछा, मेरी माँ रूपमणी, आप तो यहाँ हैं, लेकिन आपके शाश्वत पति श्री हरि विट्ठल कहाँ है? यह सुनकर वैश्य को बड़ा सदमा लगा। उसे खुद पर शर्म महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रानी रूपमणी तथा भक्त तुकाराम की कृपा से यह पूर्णत निष्पाम तथा प्रतिव्रता हो गई, क्योंकि सदाचारी भक्त उसे रूपमणी कहते थे। उसे एहसास हुआ कि हर जीवित प्राणी की तरह यह भी महाशक्ति देवी रूपमणी का एक हिस्सा थी और यह श्री देवी रूपमणी की खोज में निकल पड़ी। मित्रों, इस लीला से तुकाराम ने जानबूझकर स्त्री को रूपमणी नहीं कहा। दरअसल तुकाराम को एक अज्ञानी और दुष्ट मानसिकता वाली महिला से बचाने के लिए देवी रूपमणी स्वयं प्रकट हुई और उन्हें अपना महाशक्ति रूप दिखाया। इस पूरी लीला में कोई भी कृष्ण नहीं है, क्योंकि जब भक्ति की रक्षा की बात आती है तो देवी रूपमणी भी श्री कृष्ण को छोड़कर अपने भक्त के पास भाग आती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।